अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्या हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि जैसे ही हमने जिम लगाया ना तो सर हो गया डाउन। अब मैं मुक्के नहीं मारा, मैं कार के अंदर बैठा हूँ पर बैठा ही नहीं जा रहा भाई, क्योंकि कार यहाँ थी ही नहीं। ये पूरी कंडीशन समझो, सर्वर एकदम से जैसे होता ना एकदम से 900 हज़ार पे, मेरी 2 हज़ार पहुँच गई। ये सारे बंदे ऐसे ऑफलाइन उतरे थे और जब हम सेफ खेल रहे थे, अब लड़ाई ये चल रही है कि पहले कार तक कौन जाएगा। इतनी देर में मेरा एक टीममेट गन लेकर आया था और फिर तो मैं बच ही जाता हूँ। और साले ने क्या किल्स उठाए हैं, प्रॉपर किल फील्ड आई होगी 8 किल्स की। सर दो स्क्वाड प्रॉपर यहाँ पे सामने उतरे हुए हैं और इसमें भी किंग अंसारी आई थिंक नाम है हमारे टीममेट का, भाई हमारे, इन्होंने सारे किल ले लिए। मेरे को एक किल की इतना दुख हुआ, मैं बोल रहा हूँ यार प्लीज़ यार, सर्वर डाउन कभी कभार ही होता है, ऐसे नसीब में नहीं होता हमारे। मेहरबानी कर, मेरा केडी मेंटेन हो जाएगा। मुझे मार रहे थे, एक भी मार नहीं है, खुद ही मार दिया सारा। 0 किल थे वहाँ, 8 क्रेट्स पड़े हुए। अब सर्वर डाउन हुआ लेकिन फिर 15-20 मिनट बाद सर्वर, ये गाड़ी पानी में जा रही है फिर वहाँ से निकल ही नहीं रही है, ऐसे हो रहा। फिर सर्वर सही हुआ तो हमने गन वन उठा ली, हील वील कर रहे हैं लेकिन हील नहीं हो रही, हील बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो हमने बोला पता नहीं, या तो हील हो चुकी है या शो नहीं हो रहा या हो ही नहीं रही, ये ऐसा कुछ सीन चल रहा है। तो ऐसा करते हैं वहाँ से भी निकल दें फ़ौरन। तो हम जा रहे थे तो उन्हीं का जो एक बंदा बंदा जो था, जो बचा बचा था, वो ही आ रहा था। और मज़े की बात ये कि ये बॉट नहीं था, ये असल बंदा था, मोहम्मद उमर नाम है, उमेर नाम है। तो ये असल बंदा था क्योंकि ना जो बंदे अभी आएंगे ना, ये उनकी पिंग बहुत ज़्यादा आई है लेकिन मेरी पिंग थोड़ी सी आई है। तो मेरी गोलियाँ जल्दी कनेक्ट हो रही हैं और मतलब ऐसे ऐसे लोग जो एक एक गोली मेरे को मारते हैं उनसे मैं इतनी टाइम, अब मेरे को अभी देखना भी देखना। और ये जो मसला हो ना, ये देखो मार दिया फिनिश भी कर दिया, मैं जब मार रहा हूँ मेरी गोली भी जाके कनेक्ट हो रही है पर उसकी तो कनेक्ट ही नहीं हो रही। क्या लग रहा है सर, लग चिकन डिनर हुआ है, बेफिक्र रहो, पूरी वीडियो देखना, समझ रहे ऐसा कभी कभार भी होता है, खुशकिस्मत लोग होते। फिर दूसरा टीममेट आया, इसके तो पता नहीं क्या कौन सा माल था इसके पास, समझ में नहीं आया कब आया कब गया। और अभी दूर से इनका गन ही मारा था, ये यही था। फिर जब ये आया तो हमने बोला चलो आप भी क्यों था, इसी के बराबर में एक बॉट और एक असल बंदा आ गया। अब मजे की बात है, असल बंदा है ना ये मिला है, इसको कुछ खेलना ही नहीं आता, ये ऐसी घूम रहा है ऐसी, मतलब इसके बस तो हमारी गोलियाँ क्रैक नहीं हो रही थी इसको, वरना हम इसी से पहले ही मारा। फिर हमने गनमैन उठा ली, गोलियाँ वोलियाँ ले ली, किल्स थे वो खुद ही पीछे हो गए, पता नहीं चला कब बंदे मारे। मेरी खुशी की इंतजार नहीं, ये मेरी 14 किल होते अगर मैं 8 बंदों को ही मारता, और जिन्होंने मारा था जिसने मारा था वो मर गया। अब हम यहाँ पहुँचे जोन भी, वो अब पिंग वापस हाई हो चुकी है, समझ रहे हो। एक टिप दे दूँ मैं शायद किसी काम की हो, एमुलेटर्स वालों के लिए एम एसिस बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी देखो जब मैंने इसको गोली मारी ना तो पहले तो एम दूर दूर हिला, लेकिन जैसे एक बार सेट होकर इसको गोली कनेक्ट हुई ना पहली, फिर एम नहीं हिला, फिर एम वहीं लगा और फिर सारी गोलियाँ इसी को लगी। तो एम असिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको संभाल के रखा करो। जोन आ गया था, बंदे बंदे मार दिए, 7 बंदे हमने मार चुके हैं, 14 बंदे बचे हैं। फिर हम और आगे जा रहे थे रश करने, तो साइड पे से एक बंदा आता है और मेरे टीममेट को लो कर देता है, लो इतना करता है कि लो नहीं कनेक्ट नहीं होते इसी मतलब मैं बोल रहा हूँ ना सबके पिंग आई, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन सी गोली किसको आके लग रही है। विकेंडी से गोलियाँ आ रही हैं बताओ, कोई बात है ये विकेंडी से गोलियाँ आके आपको लग रही है, ये मशीन गन वाला कोई आला दर्जे का हैकर था, ये प्रो हैकर था ये। अब मैं चाह रहा था इनको मारूं लेकिन मैं इनको मार नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, देखो रिवाइव वाइव होता रहेगा, खैर मसला प्लान पर किल्स को लेना ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो मैंने नेट निकाला और नेट ऐसा मतलब परफेक्ट था, उनके पास टाइम होता वो भागते लेकिन कहाँ भागते, पीछे जोन आगे का नेट कहाँ जाए। एक उनका मर चुका है, अब दूसरा आगे आएगा, मैंने इसको बोला भाई तो आगे नहीं जा, वो आएगा मार देंगे, दोनों यहीं रहते हैं, लेकिन वो आगे निकल गया और ये एक अच्छी बात थी, वो निकल गया, वो सामने वाले को मारने लग गया, मैंने इसको मार दिया टेक्निक बहुत ही मार। अब एक मेरा टीममेट जोन से जाएगा वो मर जाएगा, एक उनका टीममेट जोन से जाएगा वो मर जाएगा, कितने बजे अब 2। अब मेरी फाइट होगी, हम चिकन रन कर लेंगे इजी, क्योंकि इस बेवकूफ़ इंसान ने ना हील नहीं की, हीलिंग फर्स्ट है सर। फिर हमने गाड़ी भगाई और यहाँ घुमाई और बंदा सामने, फिर भगा लिया हमने दोबारा, मगर नहीं नहीं इसको ऐसे तो जिलत वाली मौत है। और फिर तो क्या ही इसको मतलब सुर किया है सर,
समझ में नहीं आया बस सर, वो गोलियां आई कहां से, हेड ही हेड, हेड ही हेड, तेज चंबे चंबे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह।